बेटा आवाज आ रही है कि चेक करो एक बार स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से चेक करो एक बार चेक कर लो ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं बेटा एक बार चेक कर लो आपको आवाज आ रही है क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से जल्दी करो आ गए सब लोग हाँ चंटू मंटू को भी बुला लो क्वेश्चन करेंगे बेटा जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी फास्ट स्टार्ट करें ठीक है तो क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा संकल्प में हम लोग है ना ठीक है तो एक सेकेंड दो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा ठीक है सबसे पहले बेटा पहला क्वेश्चन करेंगे आ, आप में से बहुत सारे बच्चों का लगभग सिलेबस खत्म ही है रिवाइज कर रहे हैं तो क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना ठीक है और <coughs> मैं एक चीज आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं हम लोग एक नई सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन को पूरा पूरा मतलब एक तरीके से मैराथन की फॉर्म में कराएंगे क्वेश्चन को पूरा सारा सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन तो <coughs> जल्दी लाएंगे उसे भी तो उससे पहले हम लोग क्या बेटा वर्कशीट आज से मैं आपको दोबारा से पूरी देना स्टार्ट कर दूंगा जो पुरानी पेंडिंग है आज आ जाएंगी और कल से आपकी रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी ठीक है टिल एग्जाम तक आपको सारे मिल जाएंगे ठीक है क्लियर है समृद्धि जेनेटिक कोड एम पर प्रेजेंट होता है हाँ जेनेटिक कोड एम पर होता है बॉटी में 180 कैसे लाएगा अच्छा हाँ ये भी आज आपको बताना है मुझे कि कौन से चैप्टर की एनसीआर नहीं पढ़नी पहले सुन लो ध्यान से आपने बेटा जो मान लो माइक्रोब्स और स्ट्रेटेजी अगर आपने याद किया हुआ है ना तो ऐसा एनसीआर एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती ठीक है क्या है आप वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे एंड क्वेश्चन वहीं से आएगा ठीक है सौम्या आज कर देते हैं बेटा बची हुई आप कर लेना ना तीन चार वर्कशीट आज कर लेना कल से फिर रेगुलर कर लेना इकोलॉजी के क्वेश्चन ठीक है एक दिन और दो बेटा पता है क्या सारा बहुत सारा काम कर रहे होते हैं बहुत सारा मतलब मैं बता ही नहीं सकता आपको ठीक है हाँ तो सर इतना सारा क्यों करते हो बेटा आप कैसे बताएं आपको क्यों करते हैं आप हालत देखो मास्टर की नहीं तो पता चल जाएगा इतना क्वेश्चन करो करो चलो क्वेश्चन तो है ना ये सारा वर्कशीट ऐप पर डाल दू वहां से खोजना आसान हो जाएगा सारी एक साथ आ जाएंगी हाँ चलो ऐप पे जो डीपीपी वाला सेक्शन है जहां टेस्ट आता है चलो जल्दी से करो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट करते हैं इसको एक मिनट कहां गया पीछे आओ अरे यार क्वेश्चन को ठीक करते विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट करते हैं यहां पर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिफ्यूजन क्वेश्चन ठीक करेंगे क्वेश्चन को ही करेक्ट कर लेंगे इनकरेक्ट है बेटा आप करो जल्दी से इनकरेक्ट है आप करो पैसिव रैंडम अकर थ्रू मेम्ब्रेन फॉर लिपिड हो सकता है फॉर गैसिस फोर्थ आएगा सही है इनकरेक्ट कर दिया जल्दी जल्दी बेटा फास्ट इनकरेक्ट है बाकी तो ठीक है तीनों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो द द गार्ड सेल बिकम टर्जिड एट टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ ड्यू टू ये अच्छा क्वेश्चन है देखो मेरी बात सुनो ध्यान से गार्ड सेल टर्जिड कब होता है जब इसके अंदर पानी एंटर करता है है ना पानी एंटर करता है पानी एंटर करके गार्ड सेल ऐसा हो जाता है ठीक है अब यहां पर एक स्टेटमेंट ये देखो जरा जब मेरे पास लीफ के अंदर सीओ टू की कंसंट्रेशन हाई होगी तो मेरे पास ये स्टोमेटा क्लोज होना चाहिए अगर स्टोमेटा क्लोज कराना है तो गार्ड सेल को फ्लैसिड करना पड़ेगा क्या समझ में आ रहा है स्टोमेटा क्यों क्लोज कराना है क्योंकि अगर इनसाइड लीफ हमारे पास ध्यान दो बेटा ध्यान दो ध्यान दो सारे फटाफट से फोकस करो तो इसका मतलब ये वाला नहीं हो सकता ठीक है इम्बाइबेशन नहीं हो सकता इन दोनों में से होगा सेकेंड आएगा तो पानी जब गार्ड सेल में जाता है तभी वो टर्जिड होता है ठीक है यह वाला समझ में आया क्यों नहीं हो सकता क्योंकि इस केस में स्टोमेटा बंद होगा यह आया हुआ क्वेश्चन है नीट 2018 में शायद ऐसा क्वेश्चन नाइट्राइट को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रेट में नाइट्राइट एनओ माइनस को एनओ माइनस में कैसे करते हैं बताओ जल्दी से जल्दी जल्दी फास्ट नाइट्राइट को नाइट्रेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन ज्यादा है जल्दी करना आज नाइट्राइट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोमासडोमोनास नाइट्रोबैक्टर जल्दी बताओ कैसे कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोकोकस से कर सकते हैं नाइट्रोसोमनास से कर सकते हैं सूडोमोनास से कर सकते हैं नाइट्रोबैक्टर से कर सकते हैं बताओ 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 हाँ नाइट्रोबैक्टर ले ले याद कैसे किया था आपने NH4+ फोर प्लस से यह बनाने के लिए क्या चाहिए एस चाहिए एस का मतलब क्या है सोमोनास और कोकस चाहिए और यहां चाहिए बीसी बीसी मतलब नाइट्रो नाइट्रोबेक्टर और नाइट्रोसिस्टिस चाहिए तो बैक्टर आ गया यहां पर फोर्थ आ गया जल्दी चलेंगे आगे नेक्स्ट 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 क्वेश्चन जल्दी से आंसर किया करो बेटा नेक्स्ट इन प्लांट विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कौन सा मिनरल मुझे एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए चाहिए जल्दी बताओ फोर्थ क्वेश्चन अरे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी जल्दी फास्ट फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ बोरोन बोरोन मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी के लिए चाहिए और एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए हां सर ठीक है फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस पार्टिकल विदाउट न्यूक्लिक एसिड में हूं लगभग एक क्वेश्चन वायरस के अराउंड जरूर आता है जल्दी करेंगे बेटा जल्दी जल्दी फास्ट एक क्वेश्चन वायरस के अराउंड जरूर आएगा क्या आ जाएगा प्रायोन्स आएगा Prions क्या इंफेक्शियस पार्टिकल विदाउट न्यूक्लिक एसिड सही है prions, prions आएगा आएगा? बेटा कैसे में nucleic acid नहीं होता हमें इंफेक्शियस पार्टिकल बोला है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड ना हो क्या कर रहे हो जिसने वायरोइड बोला उसकी पिटाई होनी चाहिए सोया हुआ है क्या बेटा बोलो जल्दी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लो इथिलीन इन्वॉल्व इन in, इथिलीन कहा इन्वॉल्व होता है और में ऑक्सिन होता है बेटा ऑक्सिन होता है न्यूट्रिय मोबिलाइजेशन लास्ट लाइन है साइटोकाइन की है ना सीड डेवलपमेंट मैचुरेशन और डॉरमेंसी ए बी ए करता है तो मेरे पास राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हमारे पास कौन इन्वॉल्व है इथिलीन इन्वॉल्व है बेटा मुझे मैं बता देता हूं आपको कौन से आज मैं कोई दो चैप्टर्स देने की ट्राई करूंगा आप देख लो एक मैं दे दूंगा आपको रेस्परेशन इन प्लांट ठीक है और चांसेस हैं कि फोटोसेंसिस रेस्परेशन दोनों दे दूं या मैं रेस्परेशन के साथ आपको मॉर्फोलॉजी दे दूंगा दो चैप्टर दे दूंगा है हा ना हाँ अब आ जाओ जरा देखो अब ये क्या है एज दे रखिए सर एज का क्वेश्चन आने के चांसेस है कम है वैसे तो ठीक है बेनियन ट्री बी का मेरे पास फर्स्ट आ जाएगा कहां क्या रुक जाओ आ, 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 रोज जो है उसका पांच से सात तो ए का मेरे पास फोर्थ आएगा कौन है ए का फोर्थ दो जगह है फिर <coughs> बेनियन ट्री राइस जो है इसमें कुछ हाँ बेनियन ट्री आ जाएगा थर्ड बनाना आ जाएगा मेरे पास ये राइस आ जाएगा डेज राइस में फर्स्ट आ जाएगा बनाना आ जाएगा लगभग कहां चला गया सेकेंड ये तो ए का फोर्थ बी का थर्ड फर्स्ट आंसर है इसका Check करो बेटा जल्दी जल्दी next करते हैं growth and reproduction are mutually inclusive. मतलब क्या हुआ? एक सेल डिवाइड करे दो सेल बनाए इसको हम ग्रोथ भी बोले और रिप्रोडक्शन भी बोले ये तभी बोल सकते हैं जब वो सेल क्या हो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो वो क्या हो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पर यहां पर एक्सेप्ट लिखा है मतलब क्या हो कि कह रहा है ऐसा ना हो मतलब एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि जैसे सेल के डिवाइड करने से जो दो बने हैं इसको रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों बोलते हैं ये बात ना हो तो क्या आ जाएगा प्लेन एरिया आएगा क्या बैक्टीरिया क्या है सिंगल सेल है ये भी सिंगल सेल है ये भी सिंगल सेल है ये भी सिंगल सेल है आंसर इसमें क्या आएगा प्लेन एरिया जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम बात नहीं होती जल्दी बताओ ठीक है नेक्स्ट करो जल्दी से हाँ ये वाला क्वेश्चन करो देखिए ये देखें जरा किसको किसको आ रहा है देखें ये वाला क्वेश्चन किसको किसको आ रहा है आंसर लिखना प्रॉपरली नाइन्थ का ए और बी मक्कारी नहीं और जिसके जिसका गलत है वो खुद की पिटाई कर लेना एक झापड़ मारना खुद को देखो पॉलन मदर सेल मियोसिस करके कितने स्पोर बनाएगा? चार स्पोर बनाएगा कितने बनाएगा चार स्पोर बनाएगा एक स्पोर से एक पॉलन बनता है एक पॉलन में दो गैमेट होते हैं तो इसका मतलब एक पॉलन मदर सेल से चार तो पॉलन बनेंगे कितने पॉलन बनेंगे चार पॉलन बनेंगे और उसमें आठ गैमेट ऑटोमेटिकली होंगे तो इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि कितने पॉलन मदर सेल से आठ गैमेट बनेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा वन किसका किसका गलत है पापी टाइप के बच्चे नहीं दो नहीं आ सकता दो नहीं आ सकता अगर मैं यहां लिखता हाउ मैनी मेगा मदर सेल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एट गैमेट तो वहां एट होता किसका किसका गलत है हा तोते उड़ गए समझ आ गया एक पॉलन ग्रेन में कितने गैमेट होते हैं दो ठीक है चार पॉलन बनाने के लिए कितने पॉलन मदर सेल चाहिए एक तो एक पॉलन मदर सेल से चार पोलन बनेंगे हर एक में दो गैमेट होते हैं बच्चे दर्द एक समझ जान से तू गलत समझ रहे हो एक पॉलन में दो गैमेट होते हैं एक पॉलन मदर सेल से चार पॉलन बन रहे है. तो एक में दो दो गैमेट हो गए तो ऑटोमेटिकली आठ गैमेट होनी गए ठीक है हाँ हाँ इसका मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अब जो हम लोग रिविजन लाएंगे उसमें कराऊंगा जहां आपके दिमाग के तारे खोल देंगे ऐप का वेब वर्जन बेटा मई के फर्स्ट वीक में श्योरली आ जाएगा आगे समझ आ जाओ कैरेट आर बाइनियल वर्टिलाइजेशन रिफर टू प्रमोशन ऑफ फ्लारिंग बाई पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर इम्परमियबल एंड हार्ड सीड कोट इज द वन ऑफ द रीजन वाई सीड प्रमोट सीड जर्मिनेशन लीव फ्लारिंग देखो लीव फॉर फ्लारिंग का इनकरेक्ट पूछा होगा स्ट्यूमुलस लीव पर आता यह क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है वर्लाइजेशन लो टेम्परेचर यह भी ठीक है कैरेट बाइनियल है यह गलत है प्रमोट नहीं आएगा प्रिवेंट आएगा यहां पर थर्ड आंसर आएगा सर यह तो आसान क्वेश्चन है हमें मजा आ गया हाँ हाँ ठीक है हां ये करो इलेवेंथ एक मिनट देना इलेवंथ करो इलेवंथ करो इलेवंथ बहुत पिटाई करूंगा तुम लोग की फीमेल गेमेटोफाइट पूछा है सीड प्लांट जिसमें फ्लार नहीं है ये जिम्नोस्पर्म पूछ रहा है जिम्नोस्पर्म में में तुम्हें कब पता है फीमेल में कितने सेल होते हैं तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें तो ये पता है, कि ये ओव्यूल है। उस पर फीमेल गेमेटोफाइट होता है मल्टी सेलूलर उसके ऊपर आर्किगोनियम है बनते हैं दो या दो फोर्थ आएगा आंसर आंखें बंद करके क्वेश्चन पढ़ते हो तुम तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ठीक से मैच्योर स्टेज इन सीड बियरिंग प्लांट जिसमें जो फ्लार नहीं है विदाउट फ्लार है तो वो जिम्नोस्पर्म होगा उसमें थोड़ी पता है हमें फीमेल गेमेटोफाइट में कितने होते हैं हां सर हम नींद में थे जीवन भर नींद में रहो अच्छे क्वेश्चन तुम्हें दिमाग में जाते नहीं तुम्हें सिर्फ याद किया जहां दिखे वहां एकदम से सात सेल होते मार्क कर दे पढ़ लो पूरा पहले ये सिर्फ एनजियोस्पर्म के लिए है जिम्नोस्पर्म में फीमेल गेमेटोफाइट के नंबर नहीं काउंट कर सकते वो मल्टी सेलूलर होता है हां सर मेरा सही है कौन है ये फ्यूचर डॉक्टर अच्छा है गुड है हाउ मेनी न्यूक्लाई आर इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन फॉर्मेशन ऑफ पी एन हम न्यूक्लियस बताओ ये यहां एंटीपोडल से यहां दो न्यूक्लियस पहले से थे एक और आ गया कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हो गए थ्री <coughs> है ना जल्दी जल्दी फास्ट बेटा अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे कम से कम दस क्वेश्चन गलत तरीके से पढ़ने से गलत हो जाते हैं आप ठीक से नहीं पढ़ते तो ये गलत हो जाते हैं ठीक है आगे आ जाओ देखो ध्यान से बेटा द टू थाउजेंड ईयर ओल्ड बाइबल सीड कौन सा था अब यहां पर बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं सर दस हजार साल वाले में और दो हजार साल वाले में बताओ कौन सा होगा टेन तो थाउजेंड वाले में मेरे पास क्या है लुपाइनस आर्टिकस है लुपाइनस आर्कटिकस है इनमें कंफ्यूज मत होना और टू थाउजेंड वाले में मेरे पास क्या है फिनिक्स फिनिक्स जो है फिनिक्स मतलब डेट पाम ये आ जाएगा ठीक है क्लियर है थर्टीन का हमारे पास थ्री आ जाएगा करो जरा ये नहीं करना वैसे तो माइक बेटा तुम्हें आईएफ के नाम है नहीं तुम्हारे सिलेबस में से क्या पूछा है रॉन्ग पूछा हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल सॉलिड रॉड लाइक यही गलत है एक्चुअल में होलो होती है ये क्वेश्चन आएगा नहीं बेटा कभी मैं रिपीट कर रहा हूं आपके सिलेबस में साइटोस्केलेटल एलिमेंट की डिटेल नहीं है उसमें सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में पढ़ा रखा है इंटरमीडिएट <coughs> फिलामेंट <coughs> 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 <intermediate> पढ़ा नहीं रखा है आ रहा समझ हाँ ये नहीं आएगा सच अच्छा माइक्रोट्यूब्यूल जो है सॉलिड रॉड लाइक ठीक है चलो मान भी ले माइक्रोट्यूब्यूल एक्टिन मायोसिन तो बिल्कुल ही नहीं है ये तो बिल्कुल ही नहीं है ठीक है थर्ड है इसका वैसे तो पर मैं एक चीज फिर बोल रहा हूं आपको इसकी डिटेल नहीं पढ़ा रखी तो छोड़ सकते हो क्वेश्चन ये आ जाओ जरा ड्यूरिंग फोटोसेंसिस फोटोकेमिकल रिएक्शन अकर इन ए कहाँ होगा भाई फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा होता है ग्रेना में एंड डार्क रिएक्शन कहां होता है स्ट्रोमा में सही है ये तो ग्रेना और स्ट्रोमा सही है ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे हाँ सर आ सकते हैं किसी को पता ग्रेनल थैलकॉड पे कौन सा फोटो सिस्टम होता है याद है किसी को सर बार बार कराया आपने पीएस टू पीएस वन दोनों ग्रेनलकॉइड पे होते हैं और अगर स्ट्रोमल लेमिली की बात करें तो वहां सिर्फ पीएस वन होता है ये सब चीजें याद है तुम्हें नहीं है क्या पूछा है करेक्ट पूछा है क्या कहां गड़बड़ हुई है अच्छा करेक्ट पूछा है अरे मैंने गलत किया यार सॉरी आपको थोड़ा सा डिटेल <laughs> बता दे सेकेंड है ना बस देखो साइटोस्केलेटल जो एलिमेंट होते हैं खास रहे थे इसलिए ध्यान साइटोस्केलेटल एलिमेंट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना है ट्यूबुलिन का ठीक है इस तरीके का खोखला होता है जिसमें अल्फा बीटा ट्यूबुलिन होती है फिर होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट फिर होता है मेरे पास जो होते हैं हाँ, ये माइक्रोफिलामेंट माइक्रोफिलाइक्रोफिलाेंट हो सकता है ये ठीक है आंसर दूसरी चीज इनके क्या है डायमीटर अलग अलग होते हैं माइक्रो फिल्मेंट सॉरी गया हमारे पास आ, रुको 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 करेक्ट पूछा है देखते ये नहीं होगा बेटा माइक्रो ट्यूब्यूल एक्टिन फिलामेंट हो सकता है ये आंसर हो सकता माइक्रो ट्यूब्यूल लिखा नहीं ये भी नहीं होगा माइक्रोफिलामेंट कॉन्ट्रेक्टाइल होता है ये भी गलत है स्कैफोल्ड फॉर क्रोमेटिन फोर्थ आंसर है बेटा इसका पर तुम्हें करना क्यों ये ठीक है <tossil Eleven> बेटा सुनो 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 इनोवेशन नहीं है सुनो तुम्हारे सिलेबस में साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जो है ना वो डिटेल में पढ़ने नहीं है वो तीन होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल इंटरमीडिएट और माइक्रोफिलाेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं उनके एक एग्जाम्पल है लेमिन स नाम की जो प्रोटीन होती है वो बेस की तरह आधार की तरह काम करते हैं हम स्कैफोल्ड वर्ड कह सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल में हम लिख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल एक्टिन नहीं होता एक्टिन मेरे पास में आते हैं नहीं होता माइक्रोफिलाइक्रोट्यूब्यूल सॉलिड नहीं होता होलो होता है ठीक है तो जो होगा वो कॉन्ट्रेक्टाइल होना चाहिए समझ में आ गया बेटा क्लियर है बताओ अब ठीक है वर्कशीट बेटा टेलीग्राम पे मिलनी चाहिए आगे गए आ जाओ ये हो गया था आगे गए आ जाओ सारे <coughs> ग्रीन प्लांट में क्या कॉमन है मेरी बात सुनो ग्रीन प्लांट का मतलब c4 C, c3 c4 c3 प्लांट में क्या मेरे पास c3 साइकिल होती है हाँ सर होती है इसमें भी c3 साइकिल होती है इसमें c2 साइकिल होती है और इसमें c4 साइकिल होती है कॉमन कौन सा है दोनों में सब में कॉमन कौन सा है c3 साइकिल तो c3 साइकिल सभी में हो जाती है 16 का थर्ड आएगा ठीक है सिक्सटीन का क्या आ जाएगा कहां गया सेकेंड आएगा थोड़ी सी थ्री पाथवे बी आएगा सही है सर आगे चलो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट बताओ जल्दी से पीपी से पाइरुवेट कौन बनाएगा जल्दी बताओ पीपी से पाइरुवेट कौन बनाएगा जल्दी जल्दी फास्ट सर पीपी से पाइरुवेट बनाएगा पाइरुवेट काइनेज यहां लिखा है क्या कहीं सर नहीं लिखा पर हम एडजस्ट करके आइसोमरेज मार्क कर देते हैं तुम ऐसे ही करते हो एग्जाम में थर्ड आएगा आंसर नहीं दे रखा बी <coughs> कहां से आ जाएगा <coughs> है काइनेस चाहिए है? डी मार्क कर रहे हैं सावास इनोलेस कैसे आ जाएगा हाँ, तुम अपने हिसाब से कुछ भी मांग कर दोगे बेटा नहीं दे रखा तो उसमें एडजस्ट कर दे हम शाबास बहुत सारे बच्चों को आदत खराब है पानी पी लें एक गिलास हाँ भैया वाला क्वेश्चन करो आ जाओ हम पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर रहे हैं इथेनॉल में बताओ जल्दी से मसल में बनती है इथेनॉल नहीं बनाना एरोबिक और बैक्टीरिया नॉस्टॉक क्या है बेटा नॉस्टॉक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है वहां पर इथेनॉल बनी नहीं सकती यहां आएगा सेकंड आएगा उसके साइटोप्लाज्म में बनती है जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है अब ठीक है आ आ जाओ <coughs> ओनली अमंग प्लांट इनमें से कौन सी टेक्सोनोमिक कैटेगरी सिर्फ प्लांट से रिलेटेड है इनमें से कौन सी कैटेगरी हम प्लांट से रिलेटेड बात करते हैं जल्दी जल्दी करो जल्दी से हाँ, कौन सी कैटेगरी सिर्फ प्लांट से रिलेटेड होती है डिवीजन ले ले, है ना स्पीशीज क्लास जीनस ये तो दोनों से होती है डी ले, ले लेते हैं ठीक है है सरोज विजय हाँ भाई सी डी आर आई किसी को याद है इधर ही एनबीआरआई है दोनों सेम जगह है और सी डी आर आई लोकेटेड है सीडीआरआई ने क्या करा था सर सहेली ड्रग बनाई थी सहेली ड्रग स्टीरोडल है नॉन है याद करना मुझे बताना चैट में सर सी डी आर आई लखनऊ में है ट्वेंटी का टू है ना नेक्स्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट एना एनाबीना जरा देख लेते हैं एनाबीना आर इंप्लॉयड इन कर्ड फॉर्मेशन कीमोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक एना बीना एनाबीना तो फोटोसिंथेटिक है सेकेंड स्मॉलेस्ट फर्स्ट आ गया लैक्टोबेसिलस थायो और ऑप्शन नहीं है पर मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं फायोबेस क्या करता है सर एनओ थ्री से एन टू बनाता है ठीक है पर ये गलत है यहां पे मुझे चाहिए नाइट्रोबैक्टर तब मैं इसको लिखूंगा ठीक है कर लेना इसे तो ए का मेरे पास सेकंड आएगा है कोई एक ही है फर्स्ट आंसर है ए का सेकंड आएगा हो जाएगा जल्दी बताओ है ना है ना हो जाएगा ये ठीक है सर आगे आ जाओ अच्छा मैंने ये मना क्यों किया एनओ थ्री माइनस से एन टू बनाता है थायोबेसिलस जिसे आप डी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं किसकी कोई स्पीशीज होगी पर हमारे सिलेबस में तो यही है पर ये रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है सर ऑक्सीजन रिमूव करना तो मेरे ख्याल से रिडक्शन है तो फिर ये कीमो सिंथेटिक कैसे हो गया हाँ थायोबेसिलस की कोई दूसरी स्पीशीज हो सकती है पर आपके सिलेबस में है नहीं आ जाओ भाई ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू जल्दी करो जल्दी जल्दी फास्ट क्वेश्चन करेंगे ना बेटा अब स्लाइड है तो क्वेश्चन करेंगे मॉर्फोलॉजी करानी आज पहले मॉर्फोलॉजी ही कराऊंगा जिन बच्चों को दिक्कत है वो ठीक <coughs> है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर एम्बेडेड इन सेलुलोस प्लेट सेलुलोस प्लेट किसमें है ले लें ये वाला नन ले लेते हैं क्योंकि जैसे ही एम्बेडेड वर्ड यूज करता है तो बच्चे को डायटा मार्क करना है लेकिन यहां सेलुलोस प्लेट की बात कर रहा है सेलुलो प्लेट जो है वो डाइनो में होता है यहां मुझे कोई डाइनो दिख नहीं रहा फोर्थ ले लो ट्वेंटी टू का फोर्थ है ना टाइम पास नहीं करना क्वेश्चन के साथ एडजस्ट नहीं करना हाँ भाई विच आर <coughs> ट्रू पूछा है विद रेस्पेक्ट टू वायरस एक्सेप्ट ट्रू और एक्सेप्ट दोनों लिखा है तो इसका मतलब नॉट ट्रू लिखा है भाई ट्रू और एक्सेप्ट दोनों लिखा है तो नॉट ट्रू लिखा है तो दे आर नॉन सेलुलर ये ट्रू है एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन ये भी है आइदर डीएनए और आर एन ए रेस्पिरेशन ये ट्रू है आईधर आरएनए न्यूक्लियो प्रोटीन और डीएनए क्या गलत है इसमें ये गलत है मेरे ये गलत है मेरे हिसाब से ये गलत कैसे बेटा थर्ड आएगा अच्छा, ट्वेंटी तो थ्री का थर्ड आएगा पर मैं ये कह रहा हूं ये भी गलत है इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन विद आइदर इसमें यहां लिखना चाहिए था प्रोटीन विद डीएनए है ना तो वैसे ट्वेंटी जो है वो का थर्ड तो क्लियरली गलत है बाकी फोर्थ में भी मेरे पास प्रोटीन वर्ड ज्यादा ठीक है हाँ, प्रोटीन होना चाहिए देखो, gamut fuse कर रहे, <coughs> non -motile है, same size है। इन दोनों को पढ़ के क्या फीलिंग आ रही है सर ये बात कर रहा मोटाइल की तुम्हारे सिलेबस में -मोटाइल, 11, 12, दोनों जाओ। उसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रखा है स्पाइर और नहीं है ट्वेंटी फोर का फोर्थ और कोई एग्जांपल नहीं दे रखा लेकिन आइसोगेमस मोटाइल में, में मेरे पास क्लमेडो है क्लास ट्वेल्थ में क्लेडोफोरा भी दे रखा है ठीक है बेटा सही चमकी से आगे आ जाओ द ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी देखो ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी जो स्ट्रक्चर नंबर और बिहेवियर क्रोमोजोम की बात करती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं कैरियोटेक्सोनॉमी कैरियोटेक्सोनॉमी का एक और नाम है साइटोटेक्सोनॉमी एक और नाम साइटोटेक्सोनोमी क्योंकि सेल के अंदर एक ऐसी चीज जो क्रोमोजोमी है जिसका नंबर बिहेवियर एक जैसा होता है तो <coughs> सेकंड आएगा कैरियो और साइटो सेम होता है एक बच्चा कहेगा सर यूलोथ्रिक्स भी है हां यूलोथ्रिक्स भी आइसोगेमस आइसोगेमस होता है मोटाइल होता है यूडोरिना आइसोगेमस है वॉल्वक्स के ऊ गेमस है, है। आगे आ जा बेटा ठीक है द मेच्योर गेमेटोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया क्या है मॉस है मॉस का गेमेटोफाइट ग्रीन होता है ठीक है और मॉस में क्या होता है ये गेमेटोफाइट सीधा होता है उस पर ऐसे स्पाइरल लीफ लगी रहती है और राइजोइड्स मल्टी सेलूलर होते हैं तो ये तो गलत हो गया ये गलत हो गया अच्छा ये जो जैकेट वाली बात होती है ना एलगी को छोड़ के सबके सबके सेक्स ऑर्गन में जैकेट्स होता है मतलब कवर होता है लेकिन एक चीज और याद रखनी है वो मल्टी सेल यहाँ यूनिसेलुलर रखा यह गलत हो गया यहां मल्टी सेलुलर चाहिए और विद जैकेट चाहिए मतलब जैकेट का क्या मतलब होता है कवर होता है फिर गैमेट होता और वो मल्टी सेलूलर यह गलत है सो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर यहां बडिंग इन प्रोटोनिमा चाहिए बेटा बडिंग इन प्रोटोनिमा चाहिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं क्या ब्रायोफाइट स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं सबसे पहला सवाल यह है कि क्या ब्रायोफाइट में स्पोर बनते हैं हाँ सर बनते हैं किसके अंदर बनते हैं सर कैप्सूल के अंदर सेक्सुअल स्पोर बनते हैं तो क्या वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं 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 तो ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते ही नहीं है ये गलत है फ्रेगमेंटेशन ठीक है ये गलत है तो पहले वाला ठीक है बेटा क्वेश्चन सही है लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए बाकी ऑप्शन क्यों गलत है अरे बताओ हां हां हाँ, आगे आ जाओ हमारे पास साइको और गिंको की बात कर रहे हैं साइकस और गिंको किसमें जैसे ही जिम्नोस्पर्म देख रहे हैं तो लाइफ साइकिल कैसी आ जाएगी सर डिप्लोन्टिक आ जाएगी अब यहां पर मैं कुछ बच्चों से बोलता हूं वो अलग अलग पुस्तकों में जाते हैं हेप्लोन्टिक है, और डिप्लोन्टिक तीन ही पढ़नी है डिप्लो हेप्लोन्टिक ऐसी लाइफ साइकिल्स नहीं पढ़नी अगर तुम्हारी किसी कोचिंग में पढ़ाया भी गया है तो कृपया करके मत पढ़ना क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि एनसीईआरटी के अराउंड पढ़ो तो आपको फायदा होगा एग्जाम में तो मेरे पास 27 का सेकंड आएगा सेपल्स एंड पेटल्स ऑफ पेटल्स देते हैं सिर्फ देते हैं सिर्फ पेटल्स रहने देते हैं पेटल्स ऑफ इंडिगोफेरा क्या शो करेगा की क्या है भाई सर जी इंडिगोफेरा क्या है नील को कहते हैं किस में आएगा जल्दी बोलो जल्दी, जल्दी जल्दी फास्ट हटा दो हटा दो इसको पेटल्स की बात करते हैं क्या आएगा वैक्सलरी आएगा सबसे बड़ी वाली को क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड विंग्स कील है ना याद है हा आगे चलो द क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सिंपल टिश्यू सोइंग थिकनिंग एट कॉर्नर देख लो भाई मेरे पास क्लोरोप्लास्ट भी है और थिकनिंग भी है और थिकनिंग कहां पर है कॉर्नर पे अगर तुमने नोटमी का लेक्चर पढ़ा हो वहां पर थिकनिंग कॉर्नर पे थी कौन से सेल्स होते हैं वो भाई वो होते हैं कॉलन कायमा कौन से होते हैं कॉलन काइमा यह क्लोरन कायमा क्या है ये पैरन कायमा ही है मीजोफिल सेल का नाम क्लोरन कायमा होता है ये पैरन कायमा होते हैं ट्वेंटी तो नाइन का भी क्या आ जाएगा सेकेंड आ जाएगा है कि नहीं हां जल्दी जल्दी बताओ सही है सर आगे आ जाओ ये आ जाओ हाई एस्पार्टिक एसिड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेन इन मी मेज देखो एस्पार्टिक एसिड ज्यादा ये कहां का क्वेश्चन है स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है कहां पर दे रखा है <coughs> जहां भिंडी लिखी ना ओकरा येलो मोजोइक वायरस और ओकरा के बारे में लिखा है उसके अगले पेज पे दी लिखा हुआ ये कि हाई एस्पार्टिक लो शुगर ये किसको पसंद नहीं है ये किसको पसंद नहीं है देखो एफिड्स जैसिड्स बोरर चेक करो ये वाला मेरे हिसाब से मेज आ, हमारे पास हाँ स्टैम बोरर होना चाहिए चेक करो फोर्थ थर्टी का फोर्थ आएगा बेटा हाँ फोर्थ आएगा पर मैं बता रहा हूं आपको कहां दे रखा है च ऑफ द फॉलिंग प्रोड्यूस ब्यूटायरिक एसिड हम भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो माइक्रोव में वहां दे रखे हैं यह नहीं भूलोगे ये नहीं भूलोगे भूलो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप नहीं भूलोगे विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम प्रोड्यूस ब्यूटाइरिक एसिड एस्परजिल्स प्लॉस्टिडियम डियम ब्यूटाइलिकम <coughs> आ जाओ रैट हाँ भाई कैंग्रू रैट क्या है चुहा होता ये. यो क्यों रहता है डाइल्यूट यूरिन रिलीज करेगा तो मर जाएगा पानी कम है प्रोटीन बनाना कोई इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस करता है क्या वाटर इससे पानी बनाता है तो इस तरीके से रहता है किसी को याद है एलेंस रूल कान छोटे पैर छोटे वो ठंड की अडेप्टेशन है विंटर की अडेप्टेशन है विंटर में और क्या होता है ब्लबर होती है किस पे सील पे है ना साथ के साथ और भी चीजें याद करते चलोगे तो अच्छा रहेगा विच ऑफ इज एन एग्जाम्पल नॉट लिखा है और किसका लिखा है का है ना इस तरीके से करेंगे करेंगे आप मार्क कर लिया करेंगे, तो आपको आसानी से पता चलेगा तो तो of म्यूचुअलिज्म के बाद लिखा है ऑफ्रिस को फायदा क्या होता है पॉलिनेशन बंबल बी जो है या बीज जो है इसकी क्या पूरी हो जाती है सेक्सुअल डिजायर सूडो पॉपुलेशन होती है याद है हाँ सर तो थर्टी थ्री का थ्री दिरास पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड ऑफ बायोमास जनरली फाउंड टू बी इन्वर्टेड मेरी बात सुनो ध्यान से नंबर वाला कहां उल्टा मिलेगा नंबर वाला इन्वर्टेड है फॉरेस्ट में किसमें है फॉरेस्ट में और बायो वाला इन्वर्टेड है पानी में तो पानी यहां पर कौन सा है सी इको सिस्टम थर्टी फोर का फर्स्ट बाकी एनर्जी वाला हमेशा क्या है बेटा सीधा रहता है ए हो सकता है ए तो है कॉमन का एग्जांपल एनसीआरटी चेक करना था बेटा आ जाओ एक्सी टू कंजर्वेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से आ, आपकी जो इसमें वो दे रखे ना वर्ल्ड सबमिट अर्थ सबमिट ये कर लेना उसके अलावा ये जो कंजर्वेशन के मेथड्स है ना एक्सी टू इंसिटू यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं इस साल भी आने के चांसेस है एक्सीटू का मतलब होता है कि हम उसको वहां से बाहर निकाल लें तो एग्जाम्पल देखो नेशनल पार्क बायोस्फिर रिजर्व ये एक्सी टू कंजर्वेशन है नहीं ये इन इंसिटू है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तीनों इन इंसीटू है बेटा ये वाला एक्सीटू है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क इज लाइक जू है ना लाइक like जू तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये क्या करते हैं वट इज इन इन सिटू सिटू का मतलब होता है कि टाइगर बचाने के लिए पूरा फॉरेस्ट बचा दे मतलब उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में बचाए ठीक है ठीके? ए आएगा बेटा इसका ए आएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क बायोस्फे रिजर्व हन आगे आ जाओ मिथेन कंट्रीब्यूट 60 परसेंट ऑफ टोटल ग्लोबल वार्मिंग पाई चार्ट याद करके जाओगे नहीं ए? क्या क्या परसेंटेज है मिथेन सबसे पहले सीओ टू सीओ टू कितना है सिक्सटी परसेंट ठीक है फिर एक सी एफ सी है एक मिथेन एंटूओ है करके जाना बेटा सीओ टू कॉन्ट्रीव्यू दोनों ही गलत है ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेवलेंथ फ्रॉम द अर्थ इधर देख बेटा इधर सुन ध्यान से एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा सनलाइट आई तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो एनर्जी डिक्रीज करेगी लेमडा क्या होगी इंक्रीज करेगी ठीक है तो मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं तो ग्रीन हाउस गैसेज एब्सॉर्ब इंफ्रारेड की लॉन्ग करेंगे शॉर्ट करेंगे बिल्कुल लॉन्ग करेंगे ड्यूरिंग द लास्ट थ्री टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज बाई सिक्स डिग्री ये चेक करो जरा एनसीआरटी से फोर्थ स्टेटमेंट चेक करो एक बार एनसीआरटी खोल लो अरे में एनसीआर खोल के पहले तो पाई चार्ट की परसेंटेज चेक करो उसके बाद ये चेक करो कि ग्रीन हाउस देखो मैं, मुझे कैसे पता मैं ये कह रहा हूं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा तो जब लाइट आएगी तो कोई एनर्जी थोड़ी बहुत घट जाएगी कि नहीं बताओ एनर्जी घट जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी ये तो ठीक है लेकिन ये लास्ट में सिक्स डिग्री है क्या हा पॉइंट सिक्स डिग्री है साबास समझ में आ रहा है कि नहीं क्यों बढ़ जाएगी ये समझ में आया एनर्जी घट जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी ना बाकी ये वाला पाइच देख लेना याद से आ जाओ जरा विद रिस्पेक्ट टू ए बी ओ ब्लड ग्रुप हाउ मेनी जीनो टाइप जीनो टाइप तो चार होते हैं भाई ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं फिनो सॉरी फिनोटाइप चार होते हैं जीनो टाइप कितने होते हैं आपको पता ही है हमारे पास क्या है बेटा आई ए आई बी एक तो ये हो गया स्मॉल आई स्मॉल आई फिर आई ए के साथ स्मॉल आई आई ए के साथ आई ए ऐसे आई बी के साथ स्मॉल आई और आई बी के साथ आई बी तो कितने हो गए जीनोटाइप छीनोटाइप चार आगे चलते हैं क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी है सटेन बोवेरी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वैलेस ने क्या किया था वैलेस कहां पर दे रखा है जल्दी बताओ हाँ भाई वैलेस ने क्या किया था कहां दे रखा है जल्दी बताओ वेलेस ने क्या किया था किसी को याद है है? एवल्यूशन से रिलेटेड कुछ काम है डार्विन से पहले ना? है ना ठीक है एवल्यूशन से रिलेटेड डार्विन के अराउंड हां यहां जाओ बीटा थैलेसीमिया इस कंट्रोल इधर देख बेटा तेरे को बच्चे दो समझ, एक चीज समझनी पड़ेगी मेरे पास क्या है दो जीन यहां होती है एच बी ए वन और एच बी ए टू होती है और ये अल्फा बनाती है बीटा बनाने के लिए एच बी ए सॉरी एच बी बी होती है ठीक है वो बीटा बनाती है ये क्रोमोजोम नंबर ग्यारह है और ये क्रोमोजोम नंबर सिक्सटीन है तो आपको ये रखना है कि सिक्सटीन पे दो जीन होती है यहां एक होती है तो बीटा थैलेसीमिया कंट्रोल करने के लिए एक जीन है कितनी जीन है एक जीन है तो एक जीन है जिसका नाम क्या है एच बी बी और वह पे है किस पे है बेटा ये देख रहे हो अ सिंगल जीन एच बीबी ऑन क्रोमोजोम इलेवन ऑफ ईच पेरेंट दो जीन नहीं होती बेटा एक होती है अल्फा थैलेसीमिया की दो जीन होती है कर लोगे वाला ये याद कैसे रहेगा ये वाली बात ये कैसे एग्जाम में याद रहेगी बीटा का याद रखा करो बीटा थैलेसीमिया जो है बीटा सब यूनिट जो है वो ग्यारह क्रोमोजोम पे होती है फिर बाकी वाला दूसरा याद रहेगा आपको है ना नेक्स्ट हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स इसके कितने गैमेट्स बनेंगे तो तुमको इतना ज्यादा करा दिया यही हेट्रोजाइगस है टू की पावर वन दो गैमेट्स बनेंगे बधा के भी दिखा देते हैं ए बी सी स्मॉल ए कैपिटल बी दो बनेंगे क्लियर है आगे आ जाओ वॉटसन क्रिक प्रपोज स्कीम ऑफ रेप्लीकेशन जस्ट आफ्टर प्रपोजल ऑफ है ना वो किस बात पे आधारित था वॉटसन क्रिक ने बोला कि डीएनए रेप्लीकेशन कैसी होगी उन्होंने क्लियरली बता दिया कि दोनों स्टैंड ऐसे खुल जाएंगे उस पर नए स्टैंड बनेंगे तो डीएनए एप्लीकेशन वॉटसन क्रिक ने जो प्रिडिक्ट करी थी वो कैसी प्रिडिक्ट करी थी सेमी कंजर्वेटिव प्रिडिक्ट कर दी थी उन्होंने क्लियरली बोला था कि डीएनए एप्लीकेशन हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव होगी एनसीआरटी की लाइन है आप में से बहुत सारे बच्चों को अजीब लगेगा कि डीएनए एप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है ये हमें पहले पता चल गया था डीएनए डीएनएन की डिस्कवरी से इसीलिए मेसलसन स्टाल ने ई e. कोलाई पर 1958 में एक्सपेरिमेंट किया सेम ईयर पर एक्सपेरिमेंट किसने किया टेलर ने किया सही है किसने किया टेलर ने किया आ जाओ भाई ई कोलाई ओपिरोन सबसे पहला सवाल एक क्वेश्चन दे देते हैं विच इज ये मेरा क्वेश्चन है नॉट सर ऐसे क्वेश्चन करा दो एग्जाम से पहले खूब सारे पांच सौ क्वेश्चन करा दो जो आपके वाले हों नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एपिर बी ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए सी क्रोमैटोफोर डी स्प्लेटिन यह तो करो ही करो पहले इसको कर लो फोर्टी टू को लैक जेड कोड फॉर जेड वाई है ना तो ऐसे याद करो कि जेड वाई ए और जीपीटी ऐसे ही तो याद करवाया है जेड से गलेक्ट्रोसाइडेस वाई से परमिज ए से त्र... ऐसे याद कर लो जेड वाई ए जीपीटी तो बीटा वाई गलेक्ट्रोसाइडिसमीएस आई जीन अभी नहीं देखा आई जीन गलत यही गलत है स्ट्रक्चरल जीन ये है आई कोड करता है रिप्रेसर के लिए फोर्थ आंसर है इसका बताओ नहीं इसका भी बताओ ऑपिर हमेशा बैक्टीरिया में होगा ये ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए बैक्टीरिया में होगा क्रोमेटोफोर बैक्टीरिया में होगा पूछा नॉट प्रेजेंट स्प्लिट जीन क्या होती है भाई इंट्रॉन्स हाँ एक्सॉन तो होते हैं ना तो इंट्रॉन्स एक्सॉन्स कहां होते हैं ठीक है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया में लिस्ट बना सकते हैं उसकी ठीक है बढ़िया दोनों में डी सही है हाँ ह्यूमन जीनोम का डाटा फाइंडिंग्स याद करके जाएंगे भाई फाइंडिंग्स याद करके जाएंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की फाइंडिंग्स याद करके जाएंगे क्रोमोजोम वन हैज मोस्ट जीन टू नाइन सिक्स एट सही है क्रोमोजोम वाई हैज फ्यूएस्ट जीन टू थ्री वन सही है हाँ सही है एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ ये गलत है थ्री थाउजेंड आएगा एस एन पीज है बेटा बहुत सारे एस एन पीज है सही है तो फोर्टी थ्री का मेरे पास थ्री आ जाएगा यहां थ्री थाउजेंड चाहिए यूक्रोमेटिन क्या होगा बेटा कम कंडेंस होगा तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा और लूजली पैक्ड होगा ये दोनों चाहिए तो इसलिए आंसर क्या है सेकेंड है क्या लिख रहा है स्... रिप्रेसर लगेगा तो कॉम्प्यूटर रिप्रेसर लगेगा तो फिर काम नहीं करेगा पर प्रेजेंट तो होता ही है ना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिकॉर्ड ट्रिपलेट यूजीजी इज नॉन डिटेक्ट बेटा डी जनरेट का क्या मतलब होता है एक अमीनो एसिड के मोर देन वन कोडोन मोर देन वन कोडोन एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोनों से डी जनरेट कहते हैं तो यूजीजी सिर्फ ट्रिप्टोफान के लिए कोड करता है ट्रिप्टोफार्म का इसके अलावा और कोई कोड नहीं होता ये सही है ट्रिपल यू इज यूनिवर्सल कोडोन काम कर जाएगा एयू जी इनिशिएटर है एज वेल एज टर्मिनेटर ये गलत है है ना 61 कोडोन कोड फॉर अमीनो एसिड ये सही है बेटा अब कोई भी अमीनो एसिड सॉरी कोडोन यूनिवर्सल हो सकता है तो आपको ये पता होना चाहिए यू जी जी और एयू जी ये नॉन डी जनरेट है नॉन डी जनरेट का क्या मतलब है ये एक एक अमीनो एसिड के लिए मतलब ये जो अमीनो एसिड है ना मिथ्योनिन और ये मेरे पास दूसरा अमीनो एसिड कौन सा है मेरे पास ट्रिप्टोफान ये अमीनो एसिड जो है ना बेटा ये इन अमीनो एसिड के एक एक कोड होते हैं तो मेरे पास इसका 45 का थर्ड आ गया ठीक है है क्लियर द डेट्राइटस डीएफसी भाई डीएफसी सुनते हुए क्या याद आएगा डीएफसी कहां ज्यादा होती है लैंड पे पानी पे तू याद नहीं तुम्हें डीएफसी ज्यादा होती है कहां पर लैंड और पानी दोनों में होती है लेकिन लैंड पर ज्यादा होती है स विद हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम नहीं हमेशा डेड मटीरियल से स्टार्ट होती है इट इज नॉट नहीं कनेक्ट हो सकती है हमेशा कोई भी दोनों फूड चेन आपस में कनेक्ट हो सकती है कहीं भी कनेक्ट हो सकती है फोर्टी सिक्स का सेकेंड आएगा मान लो मेरे पास कुछ से दो ग्रास ऑफ पर फ्रॉग है फ्रॉग मर जाए सीधे डीएफसी में चला जाएगा क्यों नहीं कनेक्ट हो सकती है कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता क्या आंसर है इसका सेकेंड करेक्ट पूछा हुआ है डेजोल्यूशन ऑफ है जब क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो डिप्लोटीन से डेजोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है डेजोल्यूशन स्टार्ट होने से क्रोमोजोम एक दूसरे से हल्का दूर जाना स्टार्ट करते हैं एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे कहते हैं तो कैजमेटा जो है मेरे पास सुन ले ध्यान से यहां से बेटा यहां स्टार्ट हो जाएगी ठीक है कैजमेटा दिख जाएगा और टर्मिनलाइजेशन होगी डायकाइनिस में फोर्टी सेवन का फोर्थ ये जरूर रिवाइज करके जाना है एक 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 छोटा सा वीडियो पांच मिनट का बना देते हैं जिसमें पेज नंबर के साथ बता देंगे ये पेज आपको याद करके जाना है, ये पैराग्राफ टॉपिक के साथ लास्ट मोमेंट पे याद करना है हाँ सर आपने एल बताया था पर मैंने उसमें टॉपिक बताए थे मैंने पेज के साथ नहीं बताए थे टाइम लगेगा इसमें बहुत सारा हाँ पहले इलेवंथ का बना देते हैं फिर ट्वेल्थ का उ मेनी जनरेशन ऑफ माइटॉसिस बेटा काम तो मैं बहुत सारा ही ले लेता हूँ तुमसे ये भी करा दू ये भी करा दू नियत कहाँ पर है कि अच्छा ये नहीं करना भाई अंबर ओपल और ओचर ये नहीं करना ये सर को आता है पर कराते नहीं अब पिछले साल कराते थे मैं वही बार बार बोल रहा हूँ मैं कल भी अपनी वीडियो में ये एक्सप्लेन कर रहा था कि हम हर साल अपना कंटेंट अपग्रेड करते हैं चीजें नहीं लाते हैं ताकि एग्जाम के साथ पैर आ सके ऐसा क्या हो गया है कि जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पुराने टीचर थे अब वो उतना इफेक्टिव नहीं पढ़ा पाते रीजन क्या है वो आज भी वही डाटा पढ़ा रहे हैं जो काम का नहीं है शायद तुम्हें याद हो एपोस्पोरी स्टोरी एपो तुमने ये वर्ड्स भी पढ़े हैं मैंने नहीं पढ़ा इस साल आएगा ही नहीं समझ में आ रहा है या नहीं हा इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा थर्टी टू सेल्स बनाने हैं बेटा एक सेल से थर्टी टू सेल्स यहां जनरेशन लिखा है बेटा जनरेशन लिखा है डिवीजन नहीं मतलब टू की पावर फाइव से मेरे पास थर्टी टू बन जाएगा है ना? जनरेशन मतलब एक से दो चार आठ सोलह बत्तीस ऐसे तो एक जनरेशन दो थर्ड फोर्थ ऐसे करके आएगा ठीक है जिबरिन कहां होगा ग्रेप की लेंथ बढ़ाता है थिनिंग ऑफ ये इथिलिन करता है देख लो एक बार शुगर केन की रिडक्शन ये गलत है कोई रोल ही नहीं है स्टोमेटा ए बी ए करता है तो जिबरलिन क्या करता है लेंथ बढ़ाता है grapes की। करता है कि नहीं? हाँ। मॉस क्या है बेटा ऑड वन इसमें मॉस कौन सा नहीं है साइलोटम क्या है टेरिडोफाइट है एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं हाँ थोड़ा सा पूछ सकता है प्लांट किंगडम के There is a large diversity in biological world and each organism have evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. ये कहां दे रखी लाइन देखें कौन बच्चा बता पाएगा ये लाइन है कहां मैं जानना चाहता हूं आपसे ये किस चैप्टर की लाइन है ये किस चैप्टर की लाइन है देखें आपको कितना ज्ञान है सर उन मास्टर से पूछा है जो कह रहे थे कि हमें बायो की एनसीआरटी पूछ ले बेटा मैं स्माइल ही कर सकता हूँ इससे ज्यादा क्या ही करूँगा यार अब ऐसे टीचर्स के साथ स्माइल कर सकते हैं क्योंकि साथ में काम करने के बाद ऐसी भाषा ठीक है कोई नहीं नहीं नहीं, नहीं रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की नहीं है ये पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से जस्ट पहले एक लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन पैराग्राफ दे रखा है वहां की लाइन है जहां वो दे रखा ना आपका कैरिय कैपेसिटी के बाद ये आएगा फोर्थ आएगा नहीं नहीं इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कौन है ये मोक्ष मार्ग बढ़िया हाँ हाँ मिली किसी को लाइन ये देख लो जरा पॉपुलेशन इंट्रेक्शन के स्टार्ट होने से पहले वाला ये या वहां होनी चाहिए वहां है नहीं है या तो वहां है

वेजिटेटिव सेलिजस पर मेट्रोजिनस गैमेट बनाता है और फॉर्मेशन एंड क्या पूछा क्या है फॉल्स पूछा हुआ है ठीक है हे फीवर इज पॉलन एलर्जी ये ठीक है तो उसके अलावा पॉलन गेंस ऑफ सम प्लांट प्रोड्यूसर रेस्परेटरी और ब्रोन के ये भी ठीक है तो सिक्सथ वाले जहां भी हैं काट दोथ भी है पुअर इन न्यूट्रिय ये गलत है तो सेवंथ कहीं पर होना चाहिए सेवंथ येरा

तो मेरे पास या तो फर्स्ट के साथ सेवन लिख सकते हैं रिप्रेजेंट इमेच्योर मेल गेमेटोफाइड मेच्योर होना चाहिए ठीक है फर्स्ट और सेवंथ ले लेते हैं थर्ड क्या है जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब बनाती है ये ट्यूब बनाती है वेजिटेटिव सेल स्पर्म बनाता है उसके बाद क्या है मेरे पास फोर्थ फोर्थ क्या है फॉर्मेशन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ पॉलन कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये बहुत ज्यादा मतलब रफ सी डेफिनेशन है रियल सेंस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होती है हाँ फॉल्स ही बता रहा हूं बेटा गलत बता रहा हूं सेवंथ गलत है पॉलन गेंस आर पुअर इन न्यूट्रिय रिच होना चाहिए ठीक है क्लियर है तो हम यहां ये ले रहे हैं फिर भी मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन डाउटफुल है कुछ स्टेटमेंट ठीक नहीं है ठीक है ऑर्डनरी सिक्वेंशियल या, ये क्या है? याद है किसी को ये डेफिनेशन है चेंजेस पैरेलल विद द क्या बोलेंगे सक्सेशन एक लाइन है एनसीआर में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को एडेप्टिव रेडिएशन के साथ वहां से कर लेंगे चलो ठीक है यहीं तक करेंगे बेटा आएगा आपका एक मैराथन सेशन आने वाले मैं यहाँ से कुछ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हम लोग अभी ब्रह्मास्त्र को रोकेंगे क्योंकि यहाँ से अब हम मैराथन के थ्रू क्वेश्चन की प्रैक्टिस ला रहे हैं पूरे पूरे दिन में पूरे इलेवेंथ और ट्वेल्थ की बायो टाइप से ऐसा कुछ कराने वाले हैं ठीक है थीके? और मैं अभी भी मानता हूँ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लिख के लाएंगे प्रॉपरली आपको कराते हैं और वो हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं क्योंकि हम बहुत जल्दी कराएंगे एग्जाम के पास कराना था वो सेशन तो अभी आपने क्या करना है पूरी बायो रिवाइज करो आपके पास दो दिन है पूरी बायो रिवाइज करो बायो रिवाइज करने के लिए कौन से आपको टफ टॉपिक लगते हैं मैं एक बार उसकी शीट बना देता हूं लिखकर बता देता हूं कि कौन से पेज से क्या जरूर रिवाइज करना तो उसको इन दिनों कर लो दो तीन दिन दो तीन दिन लगाकर उसको रिवाइज कर लो वो मैं भेज देता हूं ठीक है बेटा है ना ठीक है मैं क्या करूंगा सुनो एक से दो दिन में सर आप क्या क्या करोगे वर्कशीट देनी है आपको का वो देना है कोई बात नहीं बेटा जितना कर सकते हैं करेंगे तो एक वो दे देते हैं आपको कि बायो में ये वाले